हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड किन किन के घरों में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है? आई थिंक सबके घर में ऑलमोस्ट हो ही गई होगी सफाई। तो सबसे लेट मुझे ऐसा लगता है मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ना टाइम नहीं मिल पाता है। जो वर्किंग लेडी होती है उनको पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है घर और बाहर की चीज़ें, ऑफिस मैनेज करना। तो यहाँ पे ना कितना टाइम हो रहा था, यहाँ पे मैं 8:30 बजे से स्टार्ट करी थी सफाई, क्योंकि मेरा एक दिन पहले ही प्लान था सफाई करने का। लेकिन उस दिन क्या हो गया था कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सो हमें ना ईवे बिल जनरेट करके देना था पार्टी को, क्योंकि मटेरियल जाने वाला था, डिलीवरी मॉर्निंग में करनी थी 6 बजे। सो इसलिए सारी प्रिपरेशन वहाँ की करनी थी, तो लेट हो गया था थोड़ा। तो फिर उसके कारण घर आने में भी लेट हुआ, तो चीज़ें इतनी लेट हो गई थी घर के, जो अदर काम है वो सब काम किया, तो ये अलग जो काम था वो रह गया था। सो इसलिए फिर ये नेक्स्ट डे के लिए चला गया था। तो मैंने सोचा नहीं, आज अब बुधवार था उस दिन, वेनसडे था, तो मैं सोची आज तो पूरी सफाई करनी है, क्योंकि बाद में थर्सडे लग जाएगा गुरुवार, और गुरुवार के दिन मेरा व्रत रहेगा। एंड जब आपका ब्रेथ होता है ना, तो आपसे इतना मतलब काम नहीं हो पाता, और दिवाली की जो सफाई है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे ना एक एक करके ना बुधवार के दिन में सोच, चलो ठीक है, सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता तो रात में मैं कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ना क्या किया था कि पूरे जितनी भी चीज़ें मुझे यूज़ नहीं है, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से निकाल के साफ़ कर रही थी। और सच बताओ ना, दिवाली की सफाई में सबकी कमर तोड़ सफाई करनी पड़ती है, कमर टूट जाती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एंड यहाँ पे पूरे अच्छे से मैं झाड़ू से क्लीन कर रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पे ना सारी चीज़ें एक एक ना जो कॉर्नर था सबको मैं एक एक करके निकाल रही थी। एंड सबसे पहले सोचा मैंने ये अलग सेक्शन जो है इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ना मैंने 1 महीने पहले ही बहुत अच्छे से सफाई किया था, उसका वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर किया था जब मैं सारी चीज़ें निकाली थी। लेकिन कितना भी साफ़ करूँ, दिवाली है तो करनी पड़ती है। एंड यहाँ पर फिर इसलिए मैं सारी चीज़ें मैं अच्छे से रख रही थी। एंड घर ना अगर आप ना थोड़े थोड़े टाइम में साफ़ करते रहते हो ना, तो इतना गंदा नहीं होता, बहुत गंदा नहीं होता है। सो मैं क्या करती हूँ, नहीं तो महीने वीकली में करती रहती, ताकि ना बहुत गंदा ना रहे। सो मुझे ना ज़्यादा गंदा नहीं, मतलब सफाई इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़े कि हाँ बहुत ज़्यादा, कि एक साथ नहीं तो बहुत सारी हो जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी सारी चीज़ें, जो भी डब्बे हैं ना, तो मेकअप की चीज़ें, बाकी चीज़ें, वो सब निकाल के देख रही थी। मैं सोची कि जो भी चीज़ें हमारी यूज़ की नहीं है ना, वो सारी चीज़ें मैं निकाल दूँ, और वेस्टेड चीज़ें रख के ना कोई मतलब नहीं होता, घर में फालतू की जगह लिए रहता है, इसीलिए ना पूरी चीज़ें साफ़ कर देनी चाहिए। एंड अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, एंड खांसी भी आ रही थी, इसलिए मैं ना वॉइस ओवर जो ना थोड़ा रुक रुक के कर रही थी, क्योंकि ना अभी ठंडी का टाइम आ गया ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब गला बैठ जाता है, ऐसा होता है। एंड यहाँ पे ना जो बुक थी मेरी, जो पहले की बुक थी और जितनी भी बुक थी, सारी चीज़ें देख देख के ना एक साइड रख रही थी, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है एंड चीज़ें रखनी भी अच्छी लगती है, कि हाँ मुझे ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, मतलब बुक में लिखना, कुछ भी नोट डाउन करना भी अच्छा लगता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि अभी तो वैसे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, नहीं तो ना जो भी टॉपिक मुझे, जिस टॉपिक में बनाने हैं, ब्लॉग्स हो गए, जो भी चीज़ें हो गई, तो वो सारी चीज़ें लिखना अच्छा लगता है। लेकिन अभी रखा ही है बुक, लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन अच्छा लगता है मुझे ऐसी चीज़ें। और मैं यहाँ पे ना देख रही थी जो चीज़ें मेरी काम की है वो रख लूँगी, नहीं तो, क्योंकि ना कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते, लेकिन हमें लगता है कि हाँ संभाल के रखे रहते, बाद में फिर मैंने चेक किए कि जो नहीं है पेपर काम के, वो भी हटा देती है। एंड यहाँ पे ना जो बैग था ना, उसको भी मैंने निकाल के पूरा साफ़ कर दिया था। उसके बाद जितने कपड़े थे वहाँ पे बाजू में मैं कपड़े रखती, तो वो सारे कपड़े जो मेरे ना यूज़ के नहीं हैं, वो सारे कपड़े ना मैंने निकाल के रख रही थी। और जो बेचारे जो गरीब हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं जिनके पास नहीं है, उनके लिए मैं निकाल के रख रही थी, जितना मुझसे बनेगा मैं उतना उनके लिए करूँगी। तो वो सारी चीज़ें निकाल के रख दिया था मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं, ये चीज़ें पुण्य का भी काम होता, जो चीज़ हम पहनते नहीं हैं उन्हें किसी गरीब को दे दो, ठंडी का टाइम आ रहा है दिवाली के टाइम में, एटलीस्ट किसी किसी के पास तो इतने ज़्यादा कोई लोग होते हैं
तो उनके पास ना पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा जो भी मेरे पास जो भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते या जो भी है वो सारी चीज़ें निकाल के रख देंगे, कोई आएगा तो उनको दे देंगे ताकि उनके भी काम आएगी वो चीज़ें। और इसलिए मैंने निकाल के रख दिया था। मैंने इतने भी मतलब जो थोड़े अच्छे ही कपड़े निकाल के रखे थे ताकि वो लोग भी पहने ना तो उनको भी इतना ऐसा ना लगे कि हाँ बहुत पुराना है। थोड़ी मीडियम साइज टाइप में ही रखे थे मैंने कपड़े। एंड गाइस सच बताऊँ मुझे इतनी सर्दी हो के रखी है ना, क्या ही बोलूँ मैं। एंड यहाँ पे ना लाइट बार बार नहीं पता कैसी हो रही थी वो किया मैंने। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने और बाकी कपड़े थे वो सारी चीज़ें फोल्ड कर कर के रख रही थी यहाँ पे, क्योंकि ना मैंने क्या किया था, एक सेक्शन बना दिए थे, चार सेक्शन। एक साइड मैंने ना क्या किया था कि अपने जो भी मतलब डेली यूज होने वाले कपड़े होते हैं ना हमारे, वो मैंने रखा। और एक साइड जो मैं ऑफिस जाती हूँ वो वाले कपड़े रखे मैंने, और एक साइड इनके कपड़े रखे। एंड एक साइड जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो सेक्शन में रख दिया था। एंड यहाँ पे ना जो कपड़े थोड़े गीले थे उसको मैंने निकाल के एक साइड रख रही थी ताकि वो ना पलंग के ऊपर रहेंगे ना तो पंखे के थ्रू ना वो सूख जाएंगे। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग मेरा ब्लॉग अगर देखते हो तो आप लोग को पता है मैं हमेशा ज़्यादातर मेरे बेड के ऊपर कपड़े मैंने भरगा के रखती हूँ ताकि वो हवा से सूख जाए। एंड यहाँ पे क्या किया मैंने, जितने मतलब चादरें और पिलो के कवर है तो वो ना मैंने दिन में फुला के गई थी ताकि ना जितनी भी मैल है ना वो अच्छे से तरीके से निकल जाए। एंड ऑफिस चली गई थी उसके बाद ना मैंने अच्छे से फुला दिया था, तो अब रात में अभी उन्हें वॉश करूँगी ना तो अच्छी तरह से ना निकल जाएगी, पूरी गंदगी निकल जाती है। एंड पानी भी आता है ना तो ये सारी चीज़ें ना पानी ज़्यादा लेती हैं अच्छे से धोने के लिए, तो मैं रात में ही ट्राई करती हूँ कि रात में ही धो ताकि ना पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। जितना पानी लगे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नल आता रहता है ना तो फिर पानी का भी टेंशन नहीं होता, और अगर मैं दिन में कर लूँ ना तो फिर मुझे पानी का भी प्रॉब्लम होता है। रात भर कपड़े टंगे रहते तो पानी भी पूरा झर जाता है। एंड यहाँ पे मैं सोच रही थी तो दुपट्टा लगा दूँ, लेकिन वो ना दुपट्टा में पा नहीं रही थी, बाद में सोचा मैंने जाने दो बाद में लगाती हूँ, इसलिए रह गया। जो मेरी चीज़ें काम की नहीं थी उस सारी चीज़ों को मैंने ना पलंग के अंदर रख दिया था कि जो भी चीज़ें काम की नहीं है ना तो रख दिया। एंड यहाँ पे मैंने चटाई जो है ना उसको देख रही थी क्योंकि अभी क्या है ठंडी आ रही है, तो ठंडी में ना हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो चटाई को मैंने सोच रही थी क्या करूँ, रख दूँ क्या करूँ। और यहाँ का भी जो सेक्शन है, दो सेक्शन मैंने, तीन सेक्शन साफ हो गया, नीचे वाला जो सेक्शन था उसे भी क्लीन कर रही थी। यहाँ पे जो पिछले साल की दिया रखी थी वो निकाला मैंने, यहाँ पे मैंने किचन के लिए जो पर्दे बनाए थे वो और दो वाला तवा था सारी चीज़ें निकाली साफ़ किया अच्छे से। एंड उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की नहीं होती वो चीज़ें मैं रख देती हूँ एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें, ताकि ना बाद में ना मुझे ना इजीली मिल सके, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। और चटाई क्या है ना, नीचे अगर आप ऐसे नॉर्मली बैठोगे ना ठंडा करता है, ठंडा होता है, और ठंडी के टाइम में जो चटाई में बैठो तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे ना ठंडी भी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। एंड अभी भी आप देख सकते हो मेरी ना जो वॉइस ओवर है ना पूरे की पूरी ना मतलब आवाज़ ना पूरी ठंडी सी लग रही, क्योंकि मैंने रात में सारे काम किए थे, बाल धोए सारी चीज़ें, तो मुझे नेक्स्ट डे ये प्रॉब्लम हो गई। एंड यहाँ पर ना किचन की जो सफाई है तो वो मैंने पूरी की अच्छे से, क्योंकि किचन तो आपको साफ़ होना ही चाहिए। एंड पूरा रात के मतलब मुझे 1-1.5 बज गए थे, सारे काम ख़त्म किया मैंने, खाने से लेकर सारी चीज़ें। और किचन जब उस कुछ भी घर की सफाई करते हो कुछ भी करते हो तो उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, काम करने के बाद किचन से लेके घर तक पूरा क्लीन होता है ना तो उसको देख के इतना सुकून मिलता है कि हाँ हमने इतनी मेहनत की, तो उसके बाद उसका रंग लाया तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग के साथ आप लोग को भी अच्छा लगता है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसके बाद यहाँ पे ना सारी चीज़ें अच्छे से मैं किचन को पूरा क्लीन करूँगी, क्योंकि इसलिए ना मैंने ना पहले ही पराठे बना के रख दिए थे, क्योंकि पराठे बनाना तो किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है, और मैंने ना पराठे बना के रख दिए थे, सेब की सब्ज़ी बनानी थी उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, तो इतना गंदा हुआ नहीं सेब की जो सब्ज़ी थी, तो उससे किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोची अगर आप किचन की सफाई करो ना, खाना वाना बन जाए उसके बाद पूरा करो ना, तो एक साथ हो जाता है ना किचन की क्लीनिंग, तो अच्छा लगता है, किचन भी अच्छा लगता है। आप तो आधा साफ़ करो फिर आधा गंदा रहे तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने पूरा खाना बना के पूरा साफ़ ही कर लिया था। भले ही ये लेट आएंगे तो बाद में हम सब्ज़ी गरम गरम बना के खा लेंगे।
एंड यहाँ पे सारा किचन से लेके सारी चीज़ें साफ की। एंड थैंक यू गाइस, यही हमारा ब्लॉग था, दिवाली ब्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर